बिहार राज्य स्वास्थ्य विभाग द्वारा बच्चों में चमकी की बीमारी के रोकथाम हेतु सीतामढ़ी जिला मुख्यालय से जागरूकता रथ को हरी झंडी देने पहुंचे तिरहुत कमिश्नर श्री पंकज कुमार, जहां जिला पदाधिकारी श्री सुनील कुमार यादव एवं जिला चिकित्सा पदाधिकारी उपस्थित थे। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर सप्तक। इस वक्त मैं सीतामढ़ी जिला कार्यालय पे हूँ और मैं आपको दिखाना चाहूँगा, कैमरामैन जरा उधर गाड़ी की तरफ दिखाएंगे, जैसा कि उस गाड़ी पे जो लोगो लगा हुआ है उस लोगो में JEAES जापानी इंसेफलाइटिस जो बीमारी है, इस JE और AES जो बीमारी है, इस बीमारी की रोकथाम के लिए, प्रिवेंशन के लिए प्रोग्राम चलाया जा रहा है। सीतामढ़ी जिला के जितने भी प्रखंड हैं, जितने भी PHC हैं, यहाँ तक कि आंगनबाड़ी और विद्यालय तक इस जागरूकता अभियान को फैलाया जाएगा, ताकि जापानी इंसेफलाइटिस और AES चमकी बुखार और मस्तिष्क ज्वर, बच्चों में अक्सर इस तरह की बातें होती हैं, इसको रोकथाम के लिए सीतामढ़ी जिला के सभी प्रखंड में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, आंगनबाड़ी और सभी जगह से जो है इसके इस बीमारी को लेकर जन जागरूकता अभियान फैलाया जाएगा। अभी ये गाड़ी खड़ी है, यहाँ पे बहुत सारे पदाधिकारी स्वास्थ्यकर्मी यहाँ खड़े हैं, जिला स्वास्थ्य पदाधिकारी भी खड़े हैं और अभी कमिश्नर साहब का इंतज़ार किया जा रहा है, वो आएंगे और इस गाड़ी को हरी झंडी देंगे और हम अब आगे यहाँ स्वास्थ्य जिला पदाधिकारी हैं, उनसे बात करेंगे जापानी इंसेफलाइटिस और AES के बारे में। सबसे पहले सर, आपका इस चैनल में स्वागत है। जी धन्यवाद। जैसा कि अभी देख रहे हैं कि ये गाड़ी बहुत सारी खड़ी है, जिस पे जो है बैनर लगा हुआ है, पोस्टर लगा हुआ है JE और AES। जी इसके बारे में आप क्या बताना चाहेंगे, इस चैनल के माध्यम से आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, तिरहुत डिवीज़न के जो चंद ज़िले हैं, वहाँ गर्मी के दस्तक देते ही एक बीमारी होती है जिसको चमकी बुखार के नाम से यहाँ स्थानीय लोग जानते हैं, और टेक्निकली हम लोग इसे एक्यूट इनकेफेलाइटिस सिंड्रोम बोलते हैं। जो इनकेफेलाइटिस तो नहीं है, लेकिन इनकेफेलाइटिस के सारे लक्षण इसमें आते हैं और इसके अभी कारण जो हैं, बहुत सारे कारण पता नहीं भी हैं, और कुछ कारण जो पता हैं उसके आधार पर इसका इलाज किया जाता है, इसीलिए इसको सिंड्रोमिक अप्रोच ऑफ ट्रीटमेंट बोलते हैं, यानी लक्षण के आधार पर ट्रीटमेंट, ताकि बच्चे को बचाया जा सके। ये इतना एकाएक होता है, इसमें जो बच्चे हैं, खास करके छोटे बच्चे जो 1 साल से 5 साल तक, ऐसे तो कोई भी एज हो सकता है, 15 साल तक का होता है, लेकिन 1 से 5 साल तक के बच्चे ज़्यादा प्रभावित होते हैं, तो वो बच्चे एकाएक जो कल तक ठीक थे, एकाएक वो बुखार होता है, बेहोश हो जाते हैं, सुस्त हो जाते हैं और कभी कभी चमकी होने लगता है, मतलब कन्वल्सन होने लगता है, जिसको यहाँ के स्थानीय भाषा में लोग चमकी बोलते हैं। तो उसी के प्रति जागरूकता करने के लिए हम लोगों ने एक अभियान चलाया है, जो आज सभी प्रखंडों में, यहाँ के जो 17 प्रखंड हैं वहाँ के लिए अभी 22 जो ये गाड़ी है, सबको जागरूकता रथ, जो मस्तिष्क ज्वर जागरूकता रथ के रूप में बनाया गया, इन्हें सजाया गया, इसमें लक्षण बताए गए हैं और क्या क्या सावधानियाँ लेनी हैं वो दर्शाए गए हैं, और एक ऑडियो चिप्स भी दिया गया है, जिसके थोड़े जो पढ़े लिखे नहीं हैं वो भी समझ सकें कि इसमें हमें क्या करना है, क्या लक्षण है, क्या सावधानी लेनी है। तो सबसे पहले जो इसमें होता है, वो अभी जो अधिकतर देखा गया है कि बच्चों में शुगर की कमी हो जाती है, और इसका मुख्य कारण है कि बच्चे भूखे पेट सो जाते हैं, रात में खेल कर आते हैं, खाना नहीं बना रहता, सो गए तो माताएं नहीं जगा पाती हैं, तो उसके लिए हम लोग अवेयर करना चाहते हैं, और यही चमकी की पहली धमकी है। 3 धमकी हम लोग देना चाहते हैं। जो पहली बात जो है कि बच्चे को खिलाओ, मतलब खाली पेट सोने न दो, ये सभी माताओं को जानना चाहिए, और ये जानकारी जो है हर घर घर तक पहुँचे, और आपका चैनल सब तक है, तो मैं चाहूँगा ये सब तक ये जानकारी जाए, और उसके कारण जो है कोई भी माताएं इस बात से अनभिज्ञ नहीं रहें कि हमारे बच्चे भूखे सो गए, सबको खिला करके सुलाना, अगर बच्चे सो गए तो जगा कर खिला कर फिर सुलाना। दूसरी बात है कि बच्चे धीरे धीरे बेहोश हो जाते हैं, कभी कभी बच्चे माताएं लेट से उठते हैं तो माताएं सोचती हैं कि बच्चा सोया हुआ है, लेकिन बच्चा सोते सोते ही बेहोश हो जाता है, तो हम लोग कहते हैं कि माता सवेरे जब जगती हैं तो बच्चे को भी जगा कर देखें कि बच्चा सो रहा है या फिर बेहोश हो गया है, अगर बेहोशी के लक्षण हैं, चमकी के लक्षण हैं, तो तुरंत बिना समय गंवाए, बिना ओझा गुनी के पास गए
104 102 एम्बुलेंस कॉल करें, हमारे एम्बुलेंस रेडी रहेंगे। आप नज़दीकी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में जाएं। हर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में हमने दो दो बेड का एक्सक्लूसिव जो JEES वार्ड वहाँ इमरजेंसी ड्रग्स इक्विपमेंट्स के साथ बनाया गया, वहाँ हमारे चिकित्सक रहेंगे, चिकित्साकर्मी रहेंगे और उसको प्रारंभिक इलाज मुहैया कराया जाएगा। यदि ग्लूकोज की कमी है तो तुरंत ग्लूकोज दिया जाएगा, चमकी का इलाज किया जाएगा और यदि गंभीर ज़्यादा हुई तो फिर उसे सदर अस्पताल जहाँ की 10 बेड की व्यवस्था है और अगर वहाँ भी नहीं हुआ तो फिर नज़दीकी SKMCH जो है मेडिकल कॉलेज वहाँ भेजा जाएगा ताकि उस बच्चे को बचाया जा सके। इसके जो है ज़्यादा जो है अटैक गर्मी के आते ही जो है ये बीमारी जो है आप कह रहे हैं कि तेज़ हो जाता है, इसका जो है शुरुआत और अंत इनिशिएट कब होता है, एंड कब हो जाता है, उसके बाद देखिए मुख्य जो है अब तक जो पिछले वर्षों के रिकॉर्ड्स हैं तो सबसे ज़्यादा पीक्स जो है वो मई से जून में आते हैं और फिर कम होता है। दूसरा पीक्स एक आता है फिर जबकि मानसून आता है, फिर उसके बाद ह्यूमिडिटी हो जाती है तो सितंबर में आता है। लेकिन पिछले कुछ वर्षों से जो अनुभव देखा गया है कि एकाद केस दूसरे महीने में भी रहते हैं, तो इसलिए हम उन महीनों को भी ध्यान रखते हैं। लेकिन मुख्य केस जो है अब जैसे अप्रैल से गर्मी शुरू होगी तो फिर अभी से लेकर के सितंबर तक ये चलेगा, तब तक हमें सतर्क रहना और इसी सतर्कता के लिए हम लोग ये सारे कार्यक्रम कर रहे हैं। अभी हम लोगों ने बाजपट्टी में भी जिला पदाधिकारी महोदय ने वहाँ JEES वार्ड का निरीक्षण किया है और JEES वार्ड के साथ वहाँ पे पोषण सहायता केंद्र का भी उद्घाटन किया है। वहाँ शिक्षकों का अवेयरनेस कार्यक्रम था मधुबन आदर्श मध्य विद्यालय मधुबन में, वहाँ 250 से अधिक शिक्षकों को अवेयर किया गया है कि वे अपने माध्यम से और छात्रों के माध्यम से जन जन तक सब तक ये जानकारी पहुँचाएँ। तो इस तरह से हम लोग अवेयरनेस कार्यक्रम लगातार कर रहे हैं। अभी जिला पदाधिकारी महोदय ने बैठक की है पिछले दो दिन पहले जो सारे विभाग के पदाधिकारियों को सम्मिलित कर करके सभी विभाग का समन्वय समेकित प्रचार शिक्षा का ICDS का जीविका का सभी का मिलके ताकि पूरा जिला अवेयर रहे और एक भी बच्चा जो है इससे नुकसान। सर चलते चलते एक बात हम आपसे और पूछ लें, एम्बुलेंस की बात आप भी कर रहे हैं, एम्बुलेंस पूरे जिला में जो है कितने एम्बुलेंस हैं? एम्बुलेंस अभी देखिए JEES के लिए 4 हमारे ईयर मार्क एम्बुलेंस हैं, वो जो रूनी सैदपुर में एक हैं, एक डुमरा में है, एक सोनबरसा में है और एक नानपुर में है और ऐसे जो है पूरे एम्बुलेंस यहाँ 32 हैं। 32 एम्बुलेंस है, हमें भी कुछ विश्वसनीय सूत्रों से पता चला है और ख़ास करके परसौनी का जो एम्बुलेंस है, मैं पर्टिकुलर परसौनी का हूँ तो कई बार ऐसा होता है कि हॉस्पिटल जाना होता है, वहाँ के एम्बुलेंस में कई बार जो है परेशानी बताई जाती है। और मैं आपको ये भी कह दूं कि एक बार हमने जो है आपात स्थिति में हमने एम्बुलेंस बुक किया और बुक करने के बाद हमने जहां से बुक किया कंफर्मेशन तो आ गया कि आपका बुकिंग जो है योर बुकिंग हैव बीन कन्फर्म्ड। आफ्टर दैट व्हेन आई रीच हॉस्पिटल पता चला कि भाई एम्बुलेंस ख़राब है। अगर मैं उस एम्बुलेंस का उसी जगह पर जहाँ से हमने कॉल किया वहाँ अगर इंतज़ार करता रहता तो हो सकता था कि उसकी जान नहीं बचती। एक एक्सीडेंटल मामले को लेकर हमने फ़ोन किया था और यहाँ आने के बाद हॉस्पिटल पहुँच जाने के बाद ऐसा हुआ, इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए ये अगर आप शिकायत कर रहे हैं तो बिल्कुल ही वाजिब शिकायत है, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए। अगर उसने कंफर्म किया है तो एम्बुलेंस मस्ट बी इन कंडीशन, अगर कंडीशन में नहीं आउट ऑफ ऑर्डर है तो ही मस्ट आंसर कि एम्बुलेंस इज आउट ऑफ ऑर्डर, प्लीज़ सर्च फॉर अनदर एम्बुलेंस। तो ये अगर किसी ने किया है तो बहुत ही अपराध किया है और इसकी सूचना आपको देनी चाहिए थी, तो फिर हम लोग उस पर कार्रवाई करेंगे। सिविल सर्जन महोदय हैं, उसके ज्ञान में जाएगा और जो उसके ACO हैं, ये आउटसोर्सिंग से एम्बुलेंस चलता है तो उसके जो यहाँ ACO चलाते हैं उस पर हम कार्रवाई करेंगे। साहब को भी जो है एम्बुलेंस के हालत को लेकर हमने भी फ़ोन किया है लेकिन वो फ़ोन नहीं उठाते हैं कि ये तो बहुत मतलब आप जो बता रहे हैं यदि सच है तो बहुत ही गलत है। आपके बात को हम लोग संज्ञान में लेते हैं, हम लोग सिविल सर्जन महोदय के भी संज्ञान में डालेंगे कि इस तरह की बात हो रही है, जिला पदाधिकारी के महोदय के भी संज्ञान में डालेंगे और आप चूँकि स्वयं मीडिया कर्मी हैं आप भी जिला पदाधिकारी महोदय को बोल सकते हैं। इस तरह की बातें तो कभी भी स्वास्थ्य विभाग के लिए अच्छी नहीं है। हेल्थ डिपार्टमेंट के जितने भी कार्य हैं सभी सही हैं लेकिन एम्बुलेंस का मामला जो आउटसोर्सिंग का मामला है ये जो है काश कहीं यहाँ जो है स्वास्थ्य समिति के अंडर ही ये चीज़ होता, इस पे जो है कमांड जो है गवर्नमेंट का होता तो बेहतर होता ऐसा मुझे लगता है। आपको कैसा लगता है?
देखिए ये सरकार के स्तर का निर्णय है, इस पे हम कुछ भी नहीं कहना चाहेंगे। सरकार निर्णय लेती है, राज्य स्वास्थ्य समिति का निर्णय है और राज्य स्वास्थ्य समिति स्टेट लेवल से ही आउटसोर्सिंग होती है, तो इसलिए ये हम लोगों के जिला स्तर की बात नहीं है, तो इस पे हम कोई भी कमेंट नहीं करना चाहेंगे। एम्बुलेंस के बारे में जो हमने आपसे बात किया है, क्या इसको संज्ञान में लिया जाएगा कि इससे और बेहतर स्थिति? बिल्कुल, बेहतर बनाने के लिए हम लोगों ने इस बात को उठाया है और अभी जिला पदाधिकारी महोदय ने कहा भी है कि सारे एम्बुलेंस के जो हैं रिपोर्ट करें कौन कौन कंडीशन में है, और बहुत जल्द हम लोग नोटिस भी किया गया है कि सारे एम्बुलेंस जो है वो वर्किंग कंडीशन में रहें, जो नहीं है तो उसके लिए फिर ये करेंगे। और कुछ प्राइवेट एम्बुलेंस जो प्रधानमंत्री राहत योजना से खरीदी गई है, मुख्यमंत्री परिवहन योजना के तहत खरीदी गई है, दिया गया अनुदान से, तो उसे भी हम लोग इसके लिए टैग कर रहे हैं। ये आदेश जिला पदाधिकारी महोदय ने जिला परिवहन पदाधिकारी को दिया है, बहुत जल्द वो भी टैग हो पाएगा ताकि उस भी एम्बुलेंस का भी सुविधा लिया जा सके। और हम चाहते हैं कि आने वाले दिन में शायद एम्बुलेंस का कष्ट नहीं हो हमारी जनता को, यही हमारी चीज। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत